नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया के अनाज मंडी में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारियों व किसानों की समस्याओं को लेकर के आज मार्केट कमेटी सचिव सुरेंद्र कुमार से मिला और गेहूं के सीजन के दौरान व्यापारियों व किसानों को आने वाली समस्याओं को हल करवाने की मांग की। व्यापारियों ने अन्य मांगों के साथ साथ कमेटी के सचिव के समक्ष बारदाना न आने और गेहूं की लिफ्टिंग उठाने के एवज में ट्रक चालकों द्वारा 4 रुपये प्रति कट्टा नजराना मांगने के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों के बाद तुरंत ही मार्केट कमेटी के सचिव ने विभिन्न एजेंसी व अधिकारियों व ठेकेदारों को तलब कर लिया, जहां एजेंसी के अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए, वहीं ठेकेदारों को नजराने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। व्यापार मंडल रतिया के पूर्व प्रधान राजकुमार मित्तल, महासचिव शिव सोनी, संजय मोदी और विनोद जैन, रविंदर जैन, कृष्ण तनेजा व अन्य व्यापारियों ने मार्केट कमेटी के सचिव सुरेंद्र कुमार के समक्ष आरोप लगाया कि अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से ये खरीद की गई है मगर लिफ्टिंग नहीं हो रही है और लिफ्टिंग करवाने के लिए ठेकेदार के ट्रक ऑपरेटर व्यापारी से प्रति कट्टा 4 रुपये नजराने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल, रतिया से राजेंद्र मित्तल की खास रिपोर्ट। और ट्रक ड्राइवर जो उनसे है वो इसके लिए नजराना शुल्क मांग रहे हैं। जो नजराना शुल्क दे रहे हैं उनके माल लोड हो रहे हैं या कोई लिहाजी है तो उसके एक दो ट्रक चले जाते हैं उनके माल लोड होने लग रहे हैं। नजराना शुल्क ना होने के बाद मंडी यूं पड़ी है। अब कल CM साहब ने आना है इसलिए उनके आस पास जितना माल पड़ा है ठेकेदार आज वो उठवा रहे हैं, लेकिन मंडी के यूं क्यों जाम लगे, लोगों को मंडी से बाहर माल पड़े हैं, कच्चे पड़े हुए माल पड़े हैं, अगर वो ना उठे तो कट्टो वो शौक लग जाएगी और ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। कितने रुपए मांग रहे हैं जी आपसे? 4 रुपए, 3 से 4 रुपए कट्टे तक मांग रहे हैं एक व्यापारी से, 3 से 4 रुपए हर कट्टा। और मंडी में कितने कट्टे रोजाना उठ रहे हैं? मंडी के अंदर दोनों एजेंसियों में लागे मेरे यहाँ 30-35 हजार कट्टा रोज उठता होगा। तो आपने कोई शिकायत की है इसकी? शिकायत हम तो मिले मौखिक रूप से लिखित में शिकायत दी। जो 15 तारीख को खरीद हुई थी उसकी पेमेंट नहीं हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक मंडियों में कोई पेमेंट नहीं आई। खरीद शुरू होने से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि अगर हम एजेंसियां पेमेंट लेट देंगी तो ब्याज समेत देंगी, इसलिए हम एजेंसियों से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी पेमेंट जल्दी करेंगी, नहीं तो फिर आड़ती आंदोलन करने के लिए। जी सर, व्यापारियों की और क्या समस्या है जी? ई खरीद केंद्र की तरफ से जो ईट अपना सीधी पेमेंट आनी है खातों में, उसके बारे में इनके पास पर्याप्त मात्रा में कोई भी स्टाफ नहीं है। जो है वो गलती करके करते हैं, उसकी सजा आरती भुगत रहे हैं सारी। अभी तक 15 दिन हो गए, कोई पेमेंट नहीं हुई। 15 तारीख को हैप्पर ने परचेज की थी, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। ना खाते अपडेट किए हैं, ना इनका कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कभी लाइट नहीं है, कभी कोई है। सारी समस्या ऐसी कि ऐसी है, गवर्नमेंट इसमें कोई ध्यान नहीं करता। बारदाने की भी समस्या आ रही है जी कुछ? बारदाने की तो FCI की समस्या और किसी की एजेंसी की समस्या। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि FCI के जो अपने बारदाना है उनको बारदाना पूरा नहीं मिल रहा, जिस कारण दूसरे एजेंसियों के जो बारदाने उसमें गेहूँ भरी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले स्पेसिफिकेशन तो ये है कि जो भी बारदाना होगा गवर्नमेंट के प्रस्क्राइब नॉर्म के अनुसार होगा, और इसके रिगार्डिंग FCI को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्दी बारदाने की शॉर्टेज को पूरा करें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका समस्या का समाधान आज कर देंगे। सर, जो व्यापारियों को समस्या आ रही है, एक तो लिफ्टिंग की आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लिफ्टिंग के लिए 4 रुपये प्रति कट्टा मांग रहे हैं। लिफ्टिंग के रिगार्डिंग सभी खरीद एजेंसियों उनके ठेकेदारों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस प्रकार के किसी प्रकार के कोताही को बख्शा नहीं जाएगा, तो उनको कड़ी से कड़ी चेतावनी दे दी गई। जो 4 रुपये प्रति कट्टा मांग रहे हैं उसके बारे में क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बारे में मेरे पास अभी तक कोई लिखित में रिटन में कंप्लेंट नहीं है, जिस प्रकार भी की जा सके। और सर, एक 15 तारीख को गेहूँ खरीदी गई थी और व्यापारियों का कहना है कि अभी तक उसकी पेमेंट उनके खातों में नहीं आई है। कुछ व्यापारियों के उनके खातों में पेमेंट आ चुकी है, लेकिन उनका अकाउंट नंबर मिसमैच होने की वजह से कई व्यापारियों की रुकी हुई है, वो भी दुरुस्त कर दिए जाएगी।